हमारे बीच जोर से बोलिए सर, हमारे बीच क्या नाम था इनका? बॉबी कुमार। बॉबी कुमार एक दलित परिवार का लड़का जो मजदूरी करता था, और अचानक विद्युत के संपर्क में आने से इनकी मौत हो गई। हम सब लोग सबसे पहले इस दुख में शामिल हैं, और आप लोगों ने इस परिवार को साथ देने के लिए तत्कालिक तौर पे सड़क को जाम करके और प्रशासन के कानों तक इस बात को पहुंचाया है। इसके लिए मैं आप तमाम लोगों को अपने तरफ से, अपनी पार्टी के तरफ से हार्दिक बधाई देना चाहते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं कि आप लोगों ने इस लड़ाई को आगे बढ़ाया। आज संजोग से इस गांव में मुझे आना भी था, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि आप ही लोगों के संघर्ष में करीब 5 साल 5.5 साल पहले गिरफ्तार करके हमें जेल में डाल दिया गया था। झूठा मुकदमा लगा करके 27 मार्च को मैं जेल से बाहर आया हूं, और जिस दिन से आया हूं लगातार जनता के सवालों के साथ जूझ रहा हूं, समस्याओं से जूझ रहा हूं। आज मैं आप लोगों से मिलने का कार्यक्रम लिया था, लेकिन अफसोस की बात है कि मैं मिलने के लिए भी आया तो एक दुखद घटना के समय आप लोगों से मुखातिब होने का मौका मिला। अभी इस रोड जाम के प्रक्रिया में यहाँ पर मैरवा के एसओ साहब माने बड़ा बाबू, कुछ देर में बीओ आएंगे, और बिजली विभाग के एसडीओ पहुँचे हुए हैं। अभी हमारी बात सिविल एसडीओ से भी हुई है और एक्सिक्यूटिव से भी हुई है। सारे लोगों के बातचीत से जो निष्कर्ष निकल करके सामने आया है वो यह है कि बिजली विभाग द्वारा 4 लाख रुपए मुआवजे का प्रावधान है। हम लोग चाहते थे कि जो भी मुआवजा का प्रावधान है वो मुआवजा तत्काल ऑन द स्पॉट मिलना चाहिए, अभी मिलना चाहिए, और इसके लिए हम लोग दबाव बनाए हुए हैं, बातचीत चल रही है। और इसके साथ ही साथ किसी भी दुर्घटना में पारिवारिक लाभ योजना के तहत 20,000 रुपये मिलना है तत्कालिक तौर पे। हमारी मांग है कि वो 20,000 रुपये तो मिले ही, विद्युत विभाग के जरिए जो मुआवजा है वो मिले ही, साथ ही साथ इस परिवार में जो एक कमाने वाले व्यक्ति थे, मौत हो गई, इन पर आश्रित इनके माँ बाप से लेकर कई लोग हैं जिनकी ज़िंदगी आने वाले दिनों में बहुत कष्ट में हो जाएगी। इसलिए सरकार यहाँ से ये रिकमेंड करे, एसडीओ से हम लोग वीडियो से भी ये मांग करेंगे कि लिखें कि इस परिवार को कम से कम एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी मिलना चाहिए। ये लड़ाई हम लोगों ने शुरू किया है, ये लड़ाई आगे भी चलेगा। अभी सड़क जाम है, तो मैं प्रशासन के लोग जब शुरू में यहाँ आए थे, यहाँ से बड़ा बाबू जब मैरवा आए थे, तो उन्होंने कहा कि रोड को खाली करवा दिया जाए। आप लोगों से शायद कह रहे थे क्योंकि अनायास जो है आप लोग पर केस मुकदमा होगा, कोई फायदा नहीं होगा। सबसे पहले तो मैं उनसे भी कहना चाहता हूँ कि इस दुख के घड़ी में आपको साथ देने के बजाय ये शब्द बोलना कि केस मुकदमे होंगे, जनता के भावनाओं के साथ आपको खड़ा होना चाहिए। केस मुकदमा की धमकी नहीं देना चाहिए। केस मुकदमा हम लोगों ने बहुत देखा है, जनता के सवालों पर, जनता के दुख दर्द के घड़ी में सरकार की जवाबदेही है, एक अफसर की भी जवाबदेही है। आपने हमें वोट दिया है इसलिए मेरी तो जवाबदेही है ही, लेकिन इस सरकार में आपको भी सरकार तनख्वाह देती है, पैसा देती है ये जनता के सेवा करने के लिए, तो आपकी भी जवाबदेही सेवा करना है। तो हम सब लोगों की सहानुभूति होने के बजाय इस तरह के धमकी शब्द जो दिए हैं, मैं तो कहना चाहता हूँ कि आइंदा इस तरह के आंदोलनों में धमकी शब्द न बोलें, उस शब्द को वापस लें, जनता को सहयोग करें, हम भी आपका सहयोग करने के लिए तैयार हैं। अभी यह बात बिल्कुल सही है कि हमारी और उनके बीच वार्ता चल रही है, FIR भी हो रहा है, और आगे
चूँकि गुठनी में घटना हुई थी, मैं उस समय नहीं था, उन्होंने कहा कि हम 1.5 महीना के अंदर पैसा दिलवाएं, हमारे पास तत्काल देने का कोई प्रोविजन नहीं है, लेकिन जैसे ही रिपोर्ट आएगा हम पैसा दिलवाएंगे, आप विधायक माननीय विधायक सचदेव जी से या वहाँ के लोगों से पता करवा लीजिए। यहाँ भी मैंने कई लोगों से पूछा, लोग कह रहे हैं कि हाँ उनको प्राप्त हुआ। अगर आप लोगों को भी रिपोर्ट हो इसी तरह की घटना में अगर हुआ है तो उनके बात को हम मान लेंगे। और उन्होंने ये भी कहा कि विधायक जी मैं पहली बार आपको आश्वासन दे रहा हूँ, यह मेरी जुबान जो है पक्का होगी, तो अभी तो भाई मान के ही चलना होगा हम लोगों को। तो इसलिए हम आप लोगों से कहेंगे कि आप लोग हमारा सहयोग करें। विधायक जी एक सवाल, अभी हम लोग क्या करें? बताते हैं, वो भी बताते हैं। तो अभी हम लोग बातचीत चला रहे हैं, लेकिन इस बीच में जो हम लोग देखें कि कोई भी गाड़ी आ रही है, कोई भी लोग आ रहे हैं, मोटरसाइकिल से लोग आ रहे हैं, तो आप लोग जो है टूट पड़ रहे हैं उन लोगों पर। मैं समझता हूँ कि वो हमारे दुश्मन नहीं हैं, जो भी लोग गाड़ी कोई साधन लेके आ रहे हैं वो सब हमारे भाई हैं। वो लोग रोड पर आ रहे हैं, वो नहीं जानते हैं कि क्या हुआ है, थोड़ा सा आगे भी बढ़ गए हों, तो कायदे से समझा बुझा करके उन लोगों को रोकना चाहिए और ये अपील करना चाहिए कि इस दुख के घड़ी में आप भी हमारा साथ दीजिए, ना कि उनसे झगड़ा करेंगे। जब हमारा आंदोलन पीसफुल होगा, जब हमारा आंदोलन शांतिपूर्ण होगा, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि प्रशासन को किसी भी स्तर तक हम झुका सकते हैं। और अगर हम थोड़ा सा गलत दिशा में लड़ाई को लेकर चल जाएंगे तो प्रशासन को भी मौका मिल जाएगा हम पर सवाल करने का। तो हम किसी भी सूरत में प्रशासन को यह मौका नहीं देंगे, बल्कि इस परिवार को जितना ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग हम लोगों से बन पाएगा सहयोग दिलाने के लिए, आज हम इस आंदोलन के माध्यम से संघर्ष को आगे बढ़ाएंगे। और इसलिए आप लोगों से मैं अपील करूंगा कि जैसे ही बीओ साहब आते हैं, पारिवारिक लाभ योजना का पैसा उस परिवार को दिलवाया जाएगा, FIR करवाया जाएगा, डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाएगा, और उसके बाद तत्काल हम SDO से अपील करेंगे कि वो भी जो सिक्योरिटी साहब से बात हुई है आ करके आप लोग को सुना दें कि हम जल्दी से जल्दी इस रिपोर्ट को तैयार करके इस रिपोर्ट को हम डिस्ट्रिक्ट में भेजेंगे और डिस्ट्रिक्ट से विद्युत विभाग से जो पैसा बनता है जितना जल्दी हो सके उस परिवार को हम दिलवाने का काम करें।